अजनी के अशफाक उल्ला मार्ग सावित्री फुले नगर में अवैध शराब बेचने वालों पर अजनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 60,000 कीमत की देसी विदेशी शराब की बोतलें बरामद किया है और अवैध शराब बेचने वालों पर अजनी पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर में एक तरफ कोरोना का आतंक जारी है तो वहीं शहर में दूसरी ओर चोरी छिपे दारू धड़ल्ले से बेची जा रही है। कहते हैं कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, अगर पीने वाला है तैयार तो दारू बेचने वाला फिर कहां पीछे रह सकता है। लेकिन पुलिस वाले को इसका पता चलते ही अवैध शराब बेचने वालों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। अजनी पुलिस थाने अंतर्गत अशफाक उल्ला मार्ग सावित्रीबाई फुले नगर में धड़ल्ले से दारू बेची जा रही थी, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने घटनास्थल जाकर कार्रवाई करते हुए देसी विदेशी शराब का माल बरामद किया है जिसकी कीमत 60,000 बताई जा रही है। पुलिस के अजनी अंतर्गत अशफाक उल्ला मार्ग सावित्रीबाई फुले नगर येथे राहणारा सागर मिश्री बमनेले वय 19 वर्ष याच्याकडे तो अवैध दारू विक्री करत आहे अशी आम्हाला गुप्त माहिती मिळाली होती। त्यानुसार आम्ही तसेच आमच्यासोबत असलेले जे DB पथक आहे आम्ही आणि सोबत महिला कर्मचारी वासनिक भावना वासनिक असे आम्ही सगळे तसेच पंच घटनास्थळी पोहोचलो आणि संपूर्ण त्याच्या घराची घरझडती घेतली असता घराच्या बाजूला त्यांनी किरायाने रूम दिलेले आहे। त्या रूममधून आम्ही पूर्ण एकूण RS 180 ml 36 बॉटल स्टर्लिंग रिझर्व 180 ml 13 बॉटल तसेच देशी दारू भिंगरी संत्रा 142 बॉटल 750 ml असा टोटल 60,000 रुपयाचा मुद्देमाल ताब्यात घेतलेला आहे आणि पुढील कारवाई करीता। शहर के कई परिसरों में अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है जिसकी खबर चलते ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। अशी पुलिस थाने से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मेरे BC News नागपुर।